दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया है जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता था। तो वो दिन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 25 दिसंबर, यानी कि क्रिसमस डे, जिसे हम कहते हैं बड़ा दिन। वो दिन बड़ा इसलिए क्योंकि हमारे प्रभु यीशु यानी कि ईसा मसीह का जन्म उस दिन हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ था तो सभी जगह में काफ़ी खुशियाँ छाई थी। तो उसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हम ये बड़ा दिन मनाते हैं, और उसी के लिए हमने अपने ऑपरेशन थिएटर को भी डेकोरेट किया है। हमारी टीम ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है। तो डेकोरेशन कुछ इस तरह से हो रही है, तो वीडियो को आप पूरा देखते रहिए और देखिए कि किस तरह से हमारी टीम परफॉर्म कर रही है, कैसे डेकोरेट कर रही है, और साथ में कुछ क्रिसमस से जुड़ी हुई कुछ अपनी यादें जो शेयर कर रहा हूँ मैं, तो उसको सुनिएगा और मज़ा लीजिएगा। तो कुछ इस तरह से है कि बचपन का वो पल आज याद दिलाता हूँ, जो कर जाए यादें ताज़ा, कुछ ऐसे पल बतलाता हूँ कि प्रभु यीशु का जन्म हुआ, खुशियों की बहारें छाई थी, और जिसका कब से था इंतज़ार, वो घड़ी खुशी की आई थी कि 25 दिसंबर का दिन, वो जो सिर्फ बचपन में ही आता था, कि 25 दिसंबर का दिन वो जो सिर्फ बचपन में आता था, और जल्दी जल्दी उठकर मैं उस दिन चर्च को जाता था, कि सब दोस्त साथ में होते थे, कार्यक्रम नए नए लाते थे, और ठिठुरी ठिठुरी सर्दी में हम जिंगल बैल भी गाते थे, कि मिलकर सभी दोस्तों के संग तब गुड़ मूंगफली खाता था, और रोज़ रात हमारे सपने में तब सांता क्लॉज भी आता था। ठीक है ना, आप लोगों ने भी जब चर्च में गए होंगे तो वहाँ पे गुड़ मूंगफली अक्सर मिला करती थी। तो उसी से कोरिलेट करते हुए कहते हैं कि मिलकर सब दोस्त के संग तब गुड़ मूंगफली खाता था, और रात हमारे सपने में तब सांता क्लॉज भी आता था, और सुबह सवेरे जूतों में फिर गिफ्ट को ही रख जाता था, कि कुछ भी कह दो यारो, बस वक्त ही वही सबसे प्यारा था, और ठंडी ठंडी सूखी सर्दी वाला वो बचपन हमारा था, वो कॉलेज टाइम की बातें जब क्रिसमस में घर जाना था, कि वापस आते आते यारो क्रिसमस केक भी संग लाना था। आपके सभी दोस्त भी क्रिसमस का केक साथ में लेकर आए होंगे आप लोगों के लिए। तो कि कॉलेज टाइम की वो बातें जब क्रिसमस में घर जाना था, और वापस आते आते यारो क्रिसमस केक संग लाना था, वो साथ में मिलकर खाना और पार्टी में छा जाना था, बस वही पुराना खुशियों से भरा अपना एक पुराना याराना था, और वही पुराना खुशियों से भरा अपना एक याराना था। थैंक यू।